हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ग्रीस आर्किटेक्चर। डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे 21 फिट बाई 90 फिट प्लॉट साइज प्लानिंग के बारे में, जिसको हमने ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर के साथ प्लान किया हुआ है। डियर फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं ऊपर दिए हुए नंबरों पर। तो डियर फ्रेंड्स, ये इसका बेसमेंट प्लान है यहाँ से, और ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, और ये इसका फ्रेंड्स फर्स्ट फ्लोर है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये पूरा हमारा 90 फिट का प्लॉट था, तो जिसमें हमने 2 फिट का स्पेस इधर छोड़ रखा है फ्रंट पर रोड वाइडनिंग के लिए। यहाँ से हमारी एंट्री होती है बेसमेंट में जाने के लिए, लगभग 10.5 फिट की एंट्री है। और यहाँ से आप बेसमेंट में जाएंगे तो यहाँ हमारा स्टेयर केस है, यहाँ से हमारा स्टेयर केस फर्स्ट फ्लोर के लिए जाएगा और ये ऐसे घूमता हुआ यहाँ चला जाएगा। और स्टेयर केस के बीच में हमारा 6 फिट बाई 6 फिट का लिफ्ट रहेगा, और बाकी का ये पूरा हॉल रहेगा। 19 फिट बाई 48 फिट 3 इंच यहाँ मिल जाएगा आपको। और यहाँ इसका ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पर यहाँ से स्टेयर केस दिया जाने के लिए। और यहाँ हमारा रोलिंग शटर रहेगा, 2 शटर आप आसानी से लगा सकते हैं। और ये पूरा कमर्शियल प्लेस रहेगा, बेसमेंट और ग्राउंड, तो ये भी पूरा हॉल मिलेगा। यहाँ भी आप 1 शटर लगा सकते हैं। और ये हमारा फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए रास्ता रहेगा स्टेयर के थ्रू। तो यहाँ से आप देखेंगे, आप यहाँ आ जाएंगे ऊपर, तो ये हमारा पूरा बड़ा सा स्टेयर केस लॉबी या फिर पैसेज आप इसको बोल सकते हैं। इस तरफ हमने गेस्ट के लिए अपना प्लान किया हुआ है, और पीछे की तरफ हमारा रेजिडेंस रहेगा अपने लिए। तो यहाँ से आप एंट्री करेंगे, यहाँ विंडो रहेगा वेंटिलेशन के लिए। ये पूरा डाइनिंग लॉबी एरिया रहेगा, यानी हॉल आप इसको बोल सकते हैं, जिसमें कि ये हमारा डाइनिंग टेबल रहेगा 6 सीटर। इस तरफ हमारा 3 सीटर सोफा रहेगा, उसके सामने ये सेंटर टेबल। इस साइड आप देखेंगे ये हमारा ओपन किचन है, 9 फिट बाई 11 फिट का किचन रहेगा, जिसमें कि ये हमारा यू टाइप प्लेटफॉर्म है। और यहाँ किचन से लगा हुआ हमारा वॉश एरिया है, और जिसमें कि हमने किचन का OTS भी दिया है। 9 फिट बाई 6 फिट का ये हमारा वॉश एरिया रहेगा, जिसमें कि आप अपनी वॉशिंग मशीन भी आसानी से रख सकते हैं। इस साइड आप देखेंगे ये हमारा स्टोर है, गलती से वॉश एरिया लिखा हुआ है, 6 फिट 2 इंच बाई 5 फिट 9 इंच का। और यहाँ बराबर में हमने 2 बेडरूम प्लान किए हुए हैं, 10 फिट बाई 15 फिट का ये हमारा बेडरूम है। सेम साइज का बेडरूम आपके लिए यहाँ मिलेगा 10 फिट बाई 15 फिट का, जिसमें ये बाथरूम रहेगा, ये बाथरूम है हमारा। और यहाँ आप देखेंगे इससे अटैच ये हमारा टॉयलेट है, 6 फिट 7 इंच बाई 9 फिट का। टॉयलेट का लेआउट आप देख सकते हैं, यहाँ हमारा बाथिंग टब है, और ये हमारा टॉयलेट सीट, ये हैंड वॉश के लिए वॉश बेसिन, ये हमारा शावर। टॉयलेट से एक गेट दे रखा है बाहर बालकनी में जाने के लिए, ये हमारा बालकनी रहेगा, और बालकनी में ये हमारा OTS रहेगा। सेम साइज का बेडरूम ये है, तो इस बेडरूम से बाहर जाने के लिए गेट है, और यहाँ इसका भी अटैच टॉयलेट रहेगा, 5 फिट बाई 9 फिट का ये हमारा टॉयलेट है। टॉयलेट का लेआउट, ये हमारा टॉयलेट सीट, ये हमारा शावर रहेगा, ये हैंड वॉश के लिए वॉश बेसिन रहेगा। अब बात करते हैं स्टेयर के साइड वाले एरिया की। तो यहाँ आप देखेंगे ये हमारा ड्राइंग रूम की एंट्री है, 10 फिट 10 इंच बाई 13 फिट का ये हमारा ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम में इस तरफ ये हमारा एक गेट दे रखा है, जो कि हमारा अटैच रहेगा गेस्ट रूम से। और यहाँ एक गेट दे रखा है जो कि बालकनी में जाने के लिए। ये हमारा सोफा रहेगा, ये टीवी जनरेट, यहाँ इसका विंडो रहेगा वेंटिलेशन के लिए। तो गेस्ट रूम है ये हमारा, 9 फिट बाई 13 फिट का गेस्ट रूम है, ये बाथरूम है इसमें। और ये हमारा टीवी यूनिट है, यहाँ एक गेट दे रखा है बाहर बालकनी में जाने के लिए। यह हमारा 15 फिट 10 इंच बाई 8 फिट 7 इंच का बालकनी रहेगा। और यहाँ आप देखेंगे तो ये हमारा पूरा खुलाई एरिया है, इसको आप कवर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ये हमारा टॉयलेट रहेगा 4 फिट बाई 8 फिट 3 इंच का, जो कि ड्राइंग रूम और गेस्ट रूम के लिए कॉमन रहेगा, जिसका वेंटिलेशन इस तरफ हमने दे रखा है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा 21 फिट बाई 90 फिट का बहुत ही शानदार नक्शा। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये नक्शा अच्छा लगा होगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।